तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को देखो। बेसिकली इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक ब्लॉक है जो इंक्लाइंड प्लेन पे रुका हुआ है, रेस्ट है, और वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, दिस एंगल इज 37 डिग्री ऑलरेडी गिवन हियर एंड विद हॉरिजेंटल। इफ द कोफिशियंट ऑफ द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, यहाँ पर जो काइनेटिक फ्रिक्शन प्रेजेंट है ब्लॉक में, यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन जो म्यू के है वो 0.5 है, ऐसा बताया जा रहा है, ठीक है ना। तो अब हम लोगों को इसमें क्या करना है, टाइम रिक्वायर्ड टू 4 मीटर अलॉन्ग द ब्लॉक। चलो मान लो यहाँ से डिस्टेंस काउंट करते हो, तो ये यहाँ पर टाइम टी इक्वल टू 0 है और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ब्लॉक का 0 है। तो चलो मान लो ब्लॉक कभी यहाँ भी आएगा ना भाई, तो लेट अस सपोज द ब्लॉक कभी यहाँ भी आएगा, तो अगर ये ब्लॉक कभी यहाँ आता है तो इसको यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, ये वाली चीज़ हमें निकालनी है, ठीक ना। तो यहाँ कुछ कांस्टेंट एक्सलेशन से गिर रहा होगा, वो एक्सलेशन हमें नहीं पता है ए, तो अगर ये वाली डिस्प्लेसमेंट पता जाए यहाँ से यहाँ तक आने में हमें टाइम कितना निकालना, दिस इज टाइम कैलकुलेशन टी। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, सिंस जो फोर्स लग रहे हैं ब्लॉक पे, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो अगर ब्लॉक पे फोर्स देखोगे भाई, तो ब्लॉक पे जो अगर फोर्स देखोगे सही से, तो ब्लॉक पे सिर्फ दो ही फोर्स हॉरिजेंटल में दो फोर्स लग रहा है। एक लग रहा है इधर mg sin theta mg sin 37, और एक इसको रोकेगा काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के, ठीक है, और नॉर्मल इसको ऊपर लगेगा, और mg cos 37 जो कि नीचे लगेगा, जिससे मुझे मतलब नहीं है। तो यहाँ नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी mg cos 37, यहाँ अगर फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगा तो यूज कर लेंगे, अभी यहाँ रहने देते हैं, ठीक है ना। चलो अगर यहाँ पर तुम देखोगे फ्रिक्स ये इस ब्लॉक पे जो mg sin theta है वो अधिक होगा और फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ कम होगी, तो ये दोनों मिलके कांस्टेंट है, सिंस फ्रिक्शन की वैल्यू और mg sin 37 ये दोनों कांस्टेंट फोर्स हैं। तो कांस्टेंट फोर्स हैं, तो जो एक्सलेशन जनरेट करेंगे, एक्सलेशन भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो इक्वेशन ऑफ मोशन जिंदाबाद। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालूं, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए s = ut + ½at² लगा दो, तो एक्सलेशन हमें पता नहीं है लेकिन निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट एक्स हुआ इनिशियली 0 से चला था, हाफ एक्सलेशन टाइम टी का स्क्वायर, तो टाइम टी की वैल्यू कितनी आई, 2 डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ से 2 डिस्प्लेसमेंट एक्सलेशन है अंडर रूट। अब यहाँ पे फाइनली 2 डिस्प्लेसमेंट एक्स की वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, कितना चलना है, एक्स की वैल्यू 4 मीटर चलेगा, तो यहाँ से आ जाएगा 4 मीटर, 8 / a√, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो अगर कुल मिला के अगर मुझे एक्सलेशन पता चल जाए और इसमें निकाल रख दूंगा, तो मुझे टाइम का कैलकुलेशन हो जाएगा बच्चों। तो सबसे पहले अब मैं एक्सलेशन कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो एक्सलेशन कैसे निकालते हैं, तो अगर मैं एक्सलेशन निकालूंगा, एक्सलेशन इक्वल टू होता है किसी भी चीज़ के नेट फोर्स अपॉन मास ऑफ द बॉडी। तो नेट फोर्स कितना है, नेट फोर्स mg sin 37 ज़्यादा है, जो कि क्योंकि नीचे आ रहा है, माइनस फ्रिक्शन काइनेटिक डिवाइडेड बाई मास ऑफ द बॉडी m। तो यहाँ से मैं लिखूँगा mg sin 37 काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू n, और यहाँ से डिवाइडेड बाई मास m, तो यहाँ से mg sin 37 और यहाँ से माइनस म्यू, n की वैल्यू आ जाएगा mg cos 37 ये, और डिवाइड कर दूँ बच्चों m से, तो ये पूरा m यहाँ से कैंसिल हो गया और यहाँ पे g कॉमन आ गया, और g कॉमन आ गया, अब sin 37 की वैल्यू रख दो, तो sin 37 की वैल्यू रख दोगे तो ये आ जाएगा 3/5, और माइनस म्यू की वैल्यू कितना है, 0.5, और cos 37 दे 4/5, तो इसको सॉल्व करोगे 10 से, जी से मल्टीप्लाई करोगे, 30/5 माइनस यहाँ से 5 ये आ जाएगा, 5 से यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से मल्टीप्लाई कर, पॉइंट ख़त्म हो जाएगा 20/5, ठीक है, 20/5 ये 50/5, मतलब आ जाएगा 10, एक्सलेशन की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, एक मिनट, एक्सलेशन की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, तुम देखोगे ये कैलकुलेशन यहाँ गलती है, तो यहाँ से एक्सलेशन की वैल्यू आ जाएगी 30 - 20, 10/5, तो एक्सलेशन की वैल्यू आ जाएगी 2 m/s². तो अगर एक्सलेशन 2 आ गया तो टाइम की वैल्यू कितना हो जाएगा, पुट इन फर्स्ट, फर्स्ट में पुट करोगे तो टाइम लगा होगा 2 × 4 और डिवाइडेड बाई 2√, तो टाइम लगा होगा 2 सेकेंड लगा होगा जब ये 4 मीटर गिरा होगा,
तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखो।